हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपको पता है ना, विकास वाला टॉपिक चल रहा था। आई होप ये वाला लेक्चर लास्ट हो, बट फिर भी देखते हैं। तो देखो, आहार संबंधी विकार करवाने वाली थी कि मैंने आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था बहुत अच्छे से डिटेल में करवा दिया था। उसके बाद में जब आहार संबंधी विकार बताने थे, तब मैंने आपका लेक्चर बंद कर दिया था, ये बोलकर कि कल की वीडियो में करवाती हूँ। तो अब कल आ चुका है तो टॉपिक भी होना चाहिए, रहे कहा तो था। तो देखो, आहार संबंधी विकार जो किशोरावस्था में होते हैं वो है एनोरेक्सिया, नर्वोसा या शुदा अभाव। ठीक है, ये होता क्या है वो मैं बताती हूँ। अंडरवेट या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा भी इसे कहा जाता है। लक्षण क्या है कि पतला होने के बावजूद खुद को मोटा समझना, आपने देखा होगा, है ना। अब आप बोलोगे मैम लड़कियों की एग्जाम्पल, लड़कों की भी एग्जाम्पल ले लो, तो ठीक है इस बार लड़कों की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बहुतों को ऐसा होता है, काफ़ी फिट हैं वो, एकदम पतले दुबले से है ना, बट उसके बाद भी उनको लगता है मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरा पेट, मेरा टमी बाहर आ रहा है, मेरा पेट बाहर निकल रहा है, मैं अब पतला होऊंगा, मैं कम खाना खाऊंगा, मैं डाइटिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं दौड़ लगाऊंगा। जबकि एक्चुअल में बात क्या है कि वो ऑलरेडी पतला है, ऐसा नहीं है कि वो मोटे, बस उसको लगता है कि मैं मोटा हूँ। समझ, ठीक है। पतला होने के बावजूद खुद को मोटा समझना, यही है एनोरेक्सिया नर्वोसा। बेसिकली ये रोग लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लड़कियों को किसी ने भी बोल दिया ना थोड़ा सा अभी कि ओए तू मोटी हो गई है, बस फिर तो खाना पीना सब बंद। बट लड़कियों को बुरा ना लगे इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने लड़के का ले लिया। ओके, तो डाइटिंग करना, अपने आप को भूखा रखना, ये सब होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ेपन का शिकार, क्योंकि उनको लगता है अब तो हम मोटे हो रहे, अब तो हम अच्छे दिखेंगे ही नहीं, तो थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं। अपने खाने की मात्रा में कटौती करना, अब उनको लग ही रहा है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, तो ऑब्वियस है वो खाना कम खाएंगे। खाने से परहेज़ करेंगे, खाना खाने के बारे में झूठ बोलना, जैसे मम्मा ने पूछा बेटा खाना खाया, बट उनको ऐसा लगता है कि बोलूँगा कि नहीं खाया तो ज़बरदस्ती खिला देंगे, इसलिए बोल देते हैं कि हाँ खा लिया मम्मी। दिन रात यही सोचना कि क्या खाना खाना चाहिए कि क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि मतलब वो चीज़ें क्या खाऊं मैं जिससे पेट भी भर जाए, मेरा वेट भी ना बढ़े। तो देखो ऐसी ऐसी बीमारियां होती है भाई किशोरावस्था में है। और फिर लोग बोलते हैं कॉलेज की हवा लग गई है, अरे कॉलेज की हवा नहीं लगी है, ये बीमारी है। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, तो ध्यान रखना ये दो अलग अलग नाम है, ठीक है। अभी हमने देखा था एनोरेक्सिया नर्वोसा और अब हम देख रहे हैं बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। इसको शुदा अतिशय भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, अत्यधिक भोजन करना, बार बार सोच के लिए जाना, अत्यधिक व्यायाम करना, वजन पर नियंत्रण करने के लिए कई प्रयास करना, बट क्या कर सकते हैं, है ना। जब ज़्यादा भोजन खाओगे तो ऑब्वियस है, मुंह में उंगली डालकर उल्टियाँ करना, दवाइयों का सेवन करना, ये सब आता है बुलिमिया नर्वोसा में। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, उसमें बेचारे खाना नहीं खा रहे, यहाँ पर ठूस ठूस के खा रहे हैं। ऐसे ही बीन्स ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, तो बीन्स ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो है ओवरवेट, हर समय खाते रहना, तब तक खाते जाएंगे जब तक कि कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। लो बताओ, इतने भुक्कड़ इंसान भी हैं इस दुनिया में। मोटापा बढ़ने की अधिक संभावना, ऑब्वियस है, जब सुबह से लेकर शाम तक उनका काम सिर्फ एक खाना ही होगा। आपने सुना होगा आई थिंक ऐसा ही कुछ है कि जीने के लिए खाना चाहिए, है ना, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। बट ये रोगी जो है ना, वो सच में खाने के लिए ही जीते हैं, क्योंकि इनको ये है कि मैं जीऊँगा तभी तो खा पाऊँगा, ठीक है। इसके बाद में अधिक खाने की आदत पर नियंत्रण करने से असमर्थ, वजन पर नियंत्रण करने में असमर्थ, ऐसे लोग ना अपनी आदत पर कंट्रोल कर पाते हैं, बोलते तो मैं नहीं खाऊँगा बट खाने को देख के इनसे रहा नहीं जाता, और ना ये वजन पर नियंत्रण कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखने वाले हैं विकास के सिद्धांत। तो आपको एक चीज़ बतानी थी कि मैंने ये जो विकास के सिद्धांत थे, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था, वो नोट्स बनवाने का एक तरीका होता है, जैसे वाइगोट्स की वाला मैंने आपको करवा दिया है ना, इसके अलावा मैंने जीन पीएलसी वाला करवा दिया, ऐसे काफ़ी सारे सिद्धांत हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये वापस से नहीं करवाऊंगी, बट आपको मैं बता देती हूँ विकास के सिद्धांत पे। सिगमंड फ्रायड, फादर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट और आई थिंक ये साइको एनालिसिस है, तो इसके फादर सिगमंड फ्रायड कहलाते हैं, ठीक है। और विकास के सिद्धांतों में मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये एक मनोचिकित्सा की एक विधि है, जिसके द्वारा मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रायड ने कई रोगियों का इलाज किया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पता है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत भी बता दिया है, आई थिंक। मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का संप्रदाय भी है, मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत भी है, और मुख्य सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और ये सब मैं करवा चुकी हूँ, बाकी मनोविश्लेषण क्या है तो इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बताए हैं, ध्यान रखना है इन चीज़ का, ठीक है। इसके बाद में
अब हम देखने वाले हैं शारीरिक विकास। बट शारीरिक विकास देखने से पहले क्योंकि क्या है ना, जब ये मैं पीडीएफ बना रही थी तो शारीरिक विकास पहले ऐड कर दिया, और भाषा का जो विकास है, भाषिक विकास, वो बाद में ऐड किया है। तो आपको मैं पहले वही करवा देती हूँ, तो खुश हो जाइए, क्योंकि भाषा के विकास में आपको सिर्फ चार लाइनें ध्यान रखनी है। और वो ये है कि पावलोव थी, उन्होंने अनुबंधन के बारे में बताया था। अनुबंधन क्या होता है कि बालक जो है वो भाषा को कैसे सीखेगा, है ना। तो बालक भाषा को शब्द व अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है, ठीक है। स्किनर ने बोला कि बालक भाषा अनुकरण व पुनर्बलन से सीखता है, ठीक है। मतलब अनुकरण वही, दूसरों को देखकर सीखना, और पुनर्बलन उनको तारीफ मिलेगी तो और अच्छा सीख पाएंगे। और अल्बर्ट बांडूरा ने कहा था कि बालक जो है भाषा अनुकरण से सीखता है, ठीक है। इसमें आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। पहली ये कि भाषा विकास सिद्धांत में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी है, ये इनका नाम बहुत फेमस है, नॉम चॉम्स्की का, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि भाषा अर्जन तंत्र होता है एक, जिसको लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस बोला जाता है, LAD। तो अगर आपसे पूछा जाए LAD के बारे में किसने बताया, तो ध्यान रखना नॉम चॉम्स्की ने बताया था। ये क्या होता है, भाषा अर्जन तंत्र होता है। अर्जन तंत्र से ही आपको समझ जाना चाहिए। इन्होंने ये बोला है कि भाषा जो है वो सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, सीखने की प्रवृत्ति तो जन्मजात होती है, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, बट भाषा को वो अर्जित करते हैं, तभी तो अर्जन तंत्र हुआ ना। और बच्चा भाषा के साथ व्याकरण स्वयं सीख जाता है, ये भी इन्होंने कहा था। और जो बच्चा भाषा के साथ व्याकरण स्वयं सीख जाता है, ये आता है जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो LAD क्या है, LAD के बारे में किसने बताया, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि LAD भाषा अर्जन तंत्र है। भाषा अर्जन तंत्र के अनुसार भाषा सीखने की प्रवृत्ति जो है वो जन्मजात होती है, और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो नॉम चॉम्स्की थे। और बच्चा भाषा के साथ में व्याकरण स्वयं सीख जाता है, ये आता है जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी में। अब हम देखते हैं शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है, इसके बाद में आपका जो विकास वाला टॉपिक है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखो, शारीरिक विकास के अंदर प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र और चतुर्थ चक्र, है ना। तो 0 से 2 वर्ष का, इसके अंदर 3 से 12 वर्ष का बच्चा द्वितीय चक्र में, 13 से 15 तृतीय, और 16 से 18 चतुर्थ चक्र, ठीक है। तो प्रथम चक्र में जो विकास होता है ना, वो तीव्र गति से होता है, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। द्वितीय चक्र के अंदर जो विकास होता है वो मंद गति से होता है, तृतीय चक्र में पुनः तीव्र गति से होता है, और चतुर्थ चक्र में पुनः मंद गति से होता है। अब आप नोटिस करो तो जो प्रथम चक्र है आपको वो शेषावस्था दिखेगी, क्योंकि मैंने शेषावस्था में भी बताया था कि जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, और फिर बाद में मैंने आपको किशोरावस्था में भी बताया था कि जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, तो देख लो, ठीक है। श्रीमती हरलोक के अकॉर्डिंग विकास जो है वो लयात्मक तरीके से होता है, ठीक है। तो जो शारीरिक विकास होता है वो 2 तरह का है, एक अंगों का विकास और एक मांसपेशियों का विकास, ठीक है। अंगों के विकास को आप डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स बोलोगे, और मांसपेशियों के विकास को मोटर डेवलपमेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अंगों के विकास के अंदर मतलब डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आता है, तो लंबाई, ठीक है, वजन, हड्डियाँ, दांत, पाचन प्रणाली, शारीरिक अनुपात, श्वसन, मस्तिष्क, धड़कन, ऑलमोस्ट सभी आ गए, ठीक है। इसके अलावा मांसपेशियों का विकास, तो मांसपेशियों के विकास के अंदर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, स्थूल गत्यात्मक विकास और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, ठीक है। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास मतलब फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो स्थूल गत्यात्मक विकास के अंदर बड़ी मांसपेशियों का समीकरण होता है, जैसे हाथ, पांव, जांग, धड़, घुटने आदि, ठीक है। बट जो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास है, इसके अंदर छोटी मांसपेशियों का समीकरण होता है, जैसे आँख, हाथ, कलाई, अंगुलियां आदि। ये कुछ टॉपिक है जो बहुत ही बेसिक है, आप इनको एक बार पढ़ भी लोगे तो भी आपके माइंड में रहेगा। अब आपको 4 बेसिक का नाम दे के पूछ ले कि स्थूल गत्यात्मक विकास किस किस में है ना, तो आप छाट लोगे ना। जो बड़ी मांसपेशी है वो स्थूल गत्यात्मक विकास में आती है, और जो छोटी मांसपेशियाँ हैं वो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में आती है। तो इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है। अब बताओ, ये याद करना कोई टिपिकल है कि स्थूल गत्यात्मक विकास में कौन सी मांसपेशियाँ और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में क्या आता है? गेंद फेंकना, गेंद पकड़ना इसी में आता है। अब आपसे अगर एग्जांपल देके पूछे कि गेंद पकड़ना और गेंद फेंकना स्थूल गत्यात्मक विकास में आता है सूक्ष्म गत्यात्मक, तो ध्यान रखना ये आता है स्थूल गत्यात्मक में। इसके अलावा अब गतिविधियाँ देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपसे पैसे देके पूछा जा सकता है, वैसे ही कोई गतिविधि देके भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से में आएगा, ठीक है। तो लुढ़कना व खिसकना,
रेंगना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, तैरना, सीढ़ियों पर चढ़ना, नृत्य करना, ट्राई साइकिल चलाना, गेंद फेंकना, गेंद पकड़ना। आप देख रहे हो इनके अंदर जो बड़ी बड़ी पेशियां हैं ना, वो उनका यूज़ हो रहा है। तो ये स्थूल गत्यात्मक में आई है। बट भोजन करना, वस्त्र पहनना, खिलौनों का प्रयोग करना, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, बालों में कंघा करना, मंजन करना, स्नान करना, जूते मोजे पहनना, कमीज के बटन बंद करना, पेपर को काटना, फाड़ना, चिपकाना, लिखना, अरे ये छोटे छोटे से काम है। तो कैसे भी करके बस आपको याद रखनी है ये चीज़ें। आँख, हाथ, कलाई, अंगुलियाँ जिसमें यूज हो समझ जाओ वो इधर है, और बड़ी वाली मांसपेशियाँ यूज हो वो इधर है। क्योंकि आप बताओ, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना हाथ पैरों का यूज़ में नहीं आएगा क्या? आएगा ना। तो बस वही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास के बारे में देखते हैं। देखो अब हम अभी हमने शारीरिक विकास के बारे में देख लिया, भाषा का विकास कैसा होता है वो भी देख लिया, अब हम मानसिक विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विकास होता है वो बहुपक्षीय होता है, जबकि अभिवृद्धि होती है जो एक पक्षीय होती है। अभिवृद्धि ओनली शारीरिक पक्ष तक ही सीमित है, बट विकास के अंदर आपका मानसिक विकास है ना, शारीरिक विकास, हर तरह का विकास आ जाता है। ठीक है, तो मानसिक विकास के अंदर संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्य निर्माण, ये तीन चीज़ें आती है। संवेदना, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण के अंदर संवेदना प्लस अर्थ आता है, और संप्रत्य निर्माण के अंदर संवेदना प्लस विचार आते हैं। ठीक है, शेषावस्था में मानसिक विकास, अब शेषावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है हम वो देखने वाले हैं। मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक है। अब देखो, जन्म के पश्चात बालक अपने वातावरण की वस्तुओं का ज्ञान अपने संवेदनाओं के माध्यम से करता है। संवेदनाएँ मतलब ज्ञानेन्द्रियाँ, ठीक है, आपको पता है ना ज्ञानेन्द्रियाँ पांच होती हैं, तो उनके माध्यम से वह वातावरण की वस्तुओं का ज्ञान करता है। कुछ ही दिनों में वह सुनना, सूंघना, देखना, स्वाद लेना, वह स्पर्श अनुभूति करना सीख जाता है। कभी देखना बच्चों को कोई भी खट्टा, खट्टी चीज़ या कड़वी चीज़ एकदम मतलब उनके लिप पे लगा के देखना, उनको थोड़ा सा चटवा के देखना, उनकी जो शक्ल बनती है ना भाई, सुपर क्यूट, ठीक है। और जब उनको कुछ मीठा खिलाओगे ना तो शकल देखना, तो उनको पता चल रहा है कि ये कड़वा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये नमकीन है, समझ रहे हो। सुनना, वो सुनते हैं बहुत टाइम बाद में, ओ बाबू ऐसे भूले हो गए आप या क्या कर रहे हैं, या आप जो भी निकनेम बोलते हो बड़े प्यार से बोलते हैं अपन बच्चों से, आपको पता है, तो वो रिएक्ट करेगा। इसका मतलब वो सुन रहा है ना, वो चीज़ों को सूंघ भी सकता है, वो देखेगा, कोई भी नई चीज़ दिखेगी तो वो टकटकी लगाए हुए देखता रहेगा, है ना। स्पर्श अनुभूति करना सीख जाता है, उसको पता चल जाता है ये मम्मा है, मम्मा को सगल से पहचाने नहीं पहचाने, स्पर्श करके पे जरूर पहचान लेगा कि ये तो मम्मा वाली फील है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो काई से सीखता है, ऑब्वियस ज्ञानेंद्रियों से। अब देखो, एक वर्ष का जो बच्चा है वो हाथ पैर हिलाने लगता है, ध्वनि करने लगता है, छोटे शब्दों को बोलने लगता है। ये बेसिकली आप अपने इन्वायरमेंट में देखते होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे घर में होते ही हैं, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आज आप उनके बारे में सब कुछ डिटेल में जान लोगे। दो वर्ष का बच्चा ठीक से समझने लगता है, शब्दों का विकास भी हो जाता है। तीन वर्ष के बच्चे में शिशु अपने नाक, कान, मुंह, दांत को हाथ से छूकर बताना लगता है। अगर आप तीन वर्ष के बच्चे से पूछोगे बेटा नाक कहाँ है, तो वह हाथ लगा के बताएगा, कान कहाँ है तो हाथ लगा के बताएगा। चार वर्ष के बच्चे को गिनती गिनने लगता है, छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर करना सीख जाता है, अक्षर लिखने लगता है, और वस्तुओं को क्रम से रखना जान जाता है। ठीक है, वह नाम लिखना शुरू कर देता है। तो ये एक नॉर्मल सा विकास है, आपको अगर आप एक बार भी ढंग से पढ़ लोगे तो आपको दिमाग में ये चीज़ें रहेगी, क्योंकि ये किसी ने अपने फैमिली में देखा है। ठीक है, पाँच वर्ष के बच्चे को रंगों को पहचानने लगता है और उनके कामों में सहायता भी करने लगता है। हल्के भारी का ज्ञान होने लगता है कि कौन सी चीज़ हल्की है, कौन सी चीज़ भारी है। 10-11 शब्दों के वाक्य दोहराने लग जाता है इस एज में। 6 वर्ष का जो बालक है वो बिना हिचके 15 तक गिनती सुनाने लग जाता है, सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता सकता है, और चित्रों में बनी वस्तुएँ बताने लगता है। ठीक है, 7 वर्ष का बच्चा विभिन्न वस्तुओं में समानता अंतर बताने लगता है, वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। अगर उसने कुछ देखा है तो बता देगा, बच्चे आपको पता है ना मन के सच्चे होते हैं, अगर उन्होंने देखा है कि मम्मा पापा झगड़ा कर रहे हैं तो उस पूरे गांव को बता देंगे, मतलब जो भी मिलेगा ना सबको बता देंगे, आज तो मम्मी पापा की लड़ाई हुई है। तो वही चीज़ है, जो वो घटना देखते हैं उनका वर्णन करने में सक्षम हो जाते हैं। 8 वर्ष के बच्चे बालक में छोटी कहानियाँ, कविताओं को याद करके उन्हें सुनाने की क्षमता का विकास हो जाता है। 16-17 शब्दों के वाक्यों को वो दोहराने लगते हैं। और 9 वर्ष का बालक समय, दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने लगता है। उसे सिक्कों का ज्ञान हो जाता है कि ये 2 का सिक्का है, 4 का सिक्का, 4 का तो सिक्का ही नहीं होता, 5 का सिक्का है, 1 का सिक्का है, ठीक है,
10 का सिक्का है, वह सामान्य शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है और देखी हुई चीज़ की 60% तक बातें बता सकता है। मतलब अगर उसने कुछ देखा है तो वो 60% तक बता सकता है कि क्या हुआ होगा या क्या हुआ था। किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है, अभी हमने देखा था, वो देखा था हमने शैशवावस्था में, ठीक है। उसी प्रकार से किशोरावस्था में मानसिक विकास, तो किशोरावस्था में मानसिक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है और अपनी उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो विकास है वो लगभग लगभग किशोरावस्था तक हो चुका होता है। हाँ, विकास निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, बट एक लिमिट होती है ना, उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कभी कोई ऐसे कर्व देखे हैं तो ऐसे 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 करके वापस से डिक्रीज धीरे धीरे, तो ये उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था तक भाई हाइट वाइट जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है, समझ भी डेवलप हो जाती है और भी काफ़ी कुछ मैंने आपको किशोरावस्था में बताया था। वो आप तो इतना ध्यान रखना, आपसे अगर कोई पूछे मानसिक विकास जो है उसकी उच्चतम सीमा कौन सी अवस्था में, तो ध्यान रखना किशोरावस्था में। वुडवर्थ ने कहा था कि मानसिक विकास जो है वो 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। ये विकास हरमन के अनुसार 15 वर्ष में, जोन्स के अनुसार 16 वर्ष में और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 के मध्य पूर्ण हो जाता है। अब देखो यहां से कितने सारे सवाल बन गए। अगर आपसे पूछे मानसिक विकास वुडवर्थ के अनुसार अपनी उच्चतम सीमा पर कब पहुंचता है, तो ध्यान रखना 15 से 20 वर्ष की आयु में, और हरमन के अनुसार कब पहुंचता है तो 15 वर्ष में, अगर जोन्स के अनुसार पूछे तो 16 वर्ष में, और स्पीयरमैन के अनुसार पूछे तो 14 से 16 वर्ष के मध्य, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखने वाले हैं सामाजिक विकास की। बच्ची में हमने देख लिया शारीरिक विकास कैसे हुआ, मानसिक विकास कैसे हुआ, भाषा के विकास कैसे हुआ, अब हम देखने वाले हैं सामाजिक विकास, ठीक है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार बच्चा जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है वो एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रल है, उसको ना समाज का पता है ना वो समाज के बारे में कुछ जानता है, ठीक है। बच्चा जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। सामाजिकरण प्रारंभ होता है परिवार से, आपको पता है परिवार में रहकर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो परिवार से सामाजिकरण प्रारंभ होता है। सामाजिकरण का महत्वपूर्ण घटक होता है खेल का मैदान, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे सामाजिकरण का महत्वपूर्ण घटक है, उसमें ऑप्शन खेल का मैदान दिखे तो उसी को ही टिक करना है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है, तो शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। एक वर्ष के भीतर शिशु माता पिता को पहचानने लगता है, प्रेम व क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। कभी गुस्सा करके देखना 1 साल के बच्चे पे, अरे रोने लग जाएगा दूर से देख के। दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण करने लगता है। 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर का कार्य करने का प्रयत्न करता है। मेरे को तो ये टॉपिक पढ़ा के बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं है। ये आपकी आपने अगर आपके घर में कोई भी बच्चा होगा, आपने देखा होगा, आपने खुद ने ये चीज़ें फील की होगी, नहीं तो यार इतने बड़े हो गए हो, इतनी समझ तो रखते हो, राइट। 2 या 3 वर्ष के आयु के बीच बालक खेलने के लिए साथी बनाकर उससे सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। मतलब 2 या 3 वर्ष का जो बालक है वो साथी, मतलब अगर उसके हम उम्र है कोई तो उनके साथ में सामाजिक संबंध बनाकर खेलना लग जाएगा। 4थे 5वें वर्ष में वह बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करता है और मित्र बनाता है। आपको बताया आजकल 4-5 साल के बच्चे को ही बाहर पढ़ाने, मतलब वो जो नर्सरी वाले स्कूल होते हैं ना उनमें भी एडमिशन करवा देते हैं, तो बाहर जाएगा, बाहरी दुनिया देखेगा, संपर्क बनाएगा और मित्र भी बनाता है। सामूहिक जीवन में अनुकूलन स्थापित कर लेता है कि सामाजिक जीवन के साथ में एडजस्टमेंट। और नोट क्या है कि शिशु जो है वो 3 माह बाद अपनी माँ को पहचानने लगता है। अगर आपसे पूछा जाए शिशु अपनी माँ को कितने महीनों बाद में पहचानने लगता है, तो 3 माह बाद। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से हुआ, नए वातावरण से अनुकूलन करना सीख जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात ऐसी है कि जो नया वातावरण है उससे अनुकूलन करना सीख जाता है। टोली या समूह का सदस्य होकर उसके द्वारा सामाजिक गुणों का विकास करता है। टोली या समूह में रहना प्रारंभ कर देता है। समूह खेलों और प्रिय कार्यों में रुचि रखने लगता है। नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है कि भाई बस मेरी तारीफ हो अब तो। भ्रमण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ये सब मैंने आपको जब बाल्यावस्था पढ़ाया था सब चीज़ बताई थी, बस अब इसमें क्या किया इन्होंने कि जो शारीरिक विकास है उसको अलग पॉइंट में बांट दिया, जो सामाजिक है उसको अलग पॉइंट्स में और मानसिक को अलग में। बाकी मैंने ये सब आपके साथ में डिस्कस कर रखा है लास्ट लेक्चर के अंदर कि वो बेमतलब में डोलते रहते हैं, ठीक है, बिना उद्देश्य के। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास से मतलब है कि मित्रता की भावना का समुचित विकास होता है ना, और समूह के प्रति निष्ठा। मित्रता किशोरावस्था के अंदर सर्वोपरि है, ठीक है। ये एक जॉक था, बट वाकई में
किशोरावस्था में आने के बाद में दोस्ती के मायने समझ में आने लग जाते हैं, और किसी ने अगर दोस्ती में धोखा दिया है ना तो गालियाँ देने का भी मन कर जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दोस्ती में बहुत बिलीव करते हैं किशोरावस्था में, कि तू तो मेरा यार है यार, लंगोटिया यार है, बचपन से साथ पढ़े हैं, बट दोस्ती के मायने अब समझ में आए। क्योंकि याद है स्कूल वाले फ्रेंड्स, एक और चीज़ बात बताती हूँ, हमारे टीचर्स ने बताई थी जब MSc के अंदर सर फॉरेंसिक साइंस पढ़ाने आते थे, लिटरली उनकी ये बात ना मुझे आज तक याद है, उन्होंने एक बात बोली थी कि आपकी लाइफ में ना मुश्किल से 5 या 6 ही फ्रेंड्स ऐसे बन पाएंगे पूरे लाइफ टाइम में, जिनके लिए आप बुढ़ापे में जाके जब आप बुढ़े हो जाओगे, 60-70 साल के हो जाओगे, और आपको पता चलेगा कि आपका दोस्त आ रहा है, चाहे आप उससे 5 साल के बाद मिल रहे हो या 6 साल के बाद मिल रहे हो, तो आप अपना काम दाम छोड़ के उसके लिए उससे मिलोगे और खुशी भी होगी, और वेट करोगे कब मेरा दोस्त आएगा, कब मैं उससे मिलूंगा। मतलब जो ट्रू वाली फ्रेंडशिप होती है ना, वो मुश्किल से 5 से 6 लोगों के साथ ही बन पाती है। और ये दोस्त कब के होते हैं, मतलब कब बनते हैं ये दोस्त? स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में। इसके बाद में दोस्त नहीं बनते। देखो, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आप, चाहे PG में रहते हो, चाहे रूम पे रह के पढ़ते हो, चाहे कोचिंग में रह के पढ़ते हो, उनका एक गोल होता है कि हमें सिलेक्शन लेना है। वहाँ पे आपकी हेल्प करने वाले बहुत होंगे, आपको एडवाइस देने वाले बहुत होंगे, बट वो जो घनिष्ठता वाली दोस्ती है ना, जो स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ होती है या कॉलेज वाले फ्रेंड्स के साथ या बचपन वाले जो 2-4 दोस्त हैं, क्लास में बातें सबसे होती है बट सब दोस्त नहीं होते, एक टाइम के बाद में सबसे कांटेक्ट हट जाता है, बट 2-4 लोग ऐसे हैं लाइफ में जिनसे हमेशा कांटेक्ट बना रहता है, राइट? मैं उन्हीं 2-4-5 लोगों की बात कर रही हूँ। अब आप लोगों की जॉब लग जाएगी, आप लोग अब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में आपका एक ऑफिस होगा, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी होंगे, उनसे आपका बातें होंगी, तो ये सब प्रोफेशनल है। यहाँ पे आप उनको बुलाओगे घर पे, कोई काम होगा तो बात भी करोगे, डिस्कस भी करोगे, उनको खाने पर भी इनवाइट करोगे, कभी आप उनके शादियाँ भी अटेंड करोगे, बट ये वो वाली दोस्ती नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बात हमें हमारे टीचर्स ने बोली, टीचर ने कही थी, और मुझे आज भी याद है ये बात। और आई थिंक मेरी लिस्ट में 2-4-5 दोस्त है, तो आप देख लेना आपके लिस्ट में कौन कौन से फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स को लेके बात चली थी तो थोड़ी बात कर ली, अब आगे टॉपिक पे आते हैं, ओके? तो सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, सामाजिक रुचियों का विकास, व्यवसाय चुनने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है इस टाइम तक, क्योंकि एक चीज़ डिसाइड करनी है ना कि क्या करना है लाइफ में आगे चल के। समाज के नेताओं से संबंध स्थापित करने की भावना का विकास हो जाता है, चिंता और संशय से घिरे रहना। इसके बाद हम पढ़ते हैं संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। अब विकास के अंदर हर तरह का विकास पढ़ चुके हैं, टेंशन ना लो, लास्ट चल रहा है, ठीक है? थोड़ा सा और रखो पेशेंस, ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, क्रो एवं क्रो ने क्या कहा कि जो संवेगात्मक व सामाजिक विकास होता है वो साथ साथ चलते हैं। संवेगात्मक व सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ओनली संवेगात्मक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ ही नहीं ना बाबा। संवेगात्मक विकास होगा तो पीछे से भागा भागा आएगा सामाजिक विकास, अबे रुक मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है? साथ साथ चलते हैं। और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक है, ये सब अभी डिस्कस कर ही लिए अपन ने, पॉइंट्स वही पॉइंट्स लिखे हैं यार। अब आगे देखते हैं कि संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। हम संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस हम संवेगात्मक के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो संवेग होते हैं वो जन्मजात होते हैं, पर सभी संवेगों का जो विकास है वो एक साथ ना होकर धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि सारे संवेग एक साथ विकसित हो जाए, ठीक है, धीरे धीरे इनका विकास होता है। वॉटसन ने कहा कि भय, क्रोध व स्नेह, ये 3 संवेग ऐसे हैं जो नवजात शिशु में देखे जाते हैं, ठीक है? कौन कौन से? भय, क्रोध, स्नेह। तो ये किसने कहा था? वॉटसन ने। तो ध्यान रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वॉटसन के हिसाब से भय, क्रोध व स्नेह 3 ऐसे संवेग जो नवजात शिशु में भी होते हैं, और ब्रिजिस के अनुसार उत्तेजना, ठीक है? अब यहाँ पे डेज डेसिस का मतलब वही है यार जो, अच्छा यहाँ पे सिर्फ उत्तेजना मतलब एक संवेग है जो नवजात शिशु के अंदर होता है, ठीक है, बट 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये कहना है ब्रिजिस का। तो इसमें वॉटसन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर ध्यान रखना। शिशु अवस्था में संवेगात्मक विकास से क्या लेना देना है देख लेते फटाफट। शिशु जन्म के समय रोता है, चिल्लाता है, पैर पटकता है, इस प्रकार वह जन्म के समय में संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, समझ गए? छोटा बच्चा क्या क्या करता है भाई, दिन भर रोता है, चिल्लाता रहता है, पैर पटकता रहता है, और ये और समझ में नहीं आता कि उसको दिक्कत क्या है ना। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब कभी वो हंसेगा, कभी वो स्माइल करेगा, कभी वो रोने लग जाएगा, कुछ समझ नहीं आता बच्चों का, उनका सीरियसली समझ में नहीं आता।
शिशु का संवेग थोड़े समय तक रहता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अगर वो रो रहे हैं ना तो 2 मिनट बाद में हंस भी सकते हैं। आपकी तरह नहीं है, बड़े होने के बाद में आज तो मैं दुखी हूँ, आज तो मैं पूरी रात भर रोऊंगा, है ऐसा नहीं करते बच्चे। बच्चे वाकई में अच्छे होते हैं क्योंकि वो खुद टेंशन नहीं लेते, वो टेंशन सिर्फ घर वालों को देते हैं। एग्जाम्पल, शिशु गोदी में आने के लिए रोने लगता है किंतु गोदी लेते ही वह चुप हो जाता है। लोग बताओ, इतने डेढ़ छाने बच्चे हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है संवेग में स्थिरता आने लगती है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे, ध्यान रखना ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि शिशु का संवेग थोड़े समय, अच्छा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो शिशु का संवेगात्मक व्यवहार होता है ना वो अत्यधिक अस्थिर होता है। आपसे पूछा जा सकता है शिशु का संवेगात्मक व्यवहार कैसा होता है, तो ध्यान रखना अत्यधिक अस्थिर होता है। बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है संवेग में स्थिरता आने लग जाती है। और बेस्ट एग्जाम्पल यही था कि बच्चा है भाई, रो रहा है मम्मा की गोद में जाने के लिए, या फिर कोई भी ले लो, मुझे तो बस गोद में आना है, चलना तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही गोद में लिया, बच्चा खुश। आरंभ में शिशु के संवेग काफ़ी तीव्र होते हैं किंतु धीरे धीरे ये तीव्रता कम हो जाती है। तीव्र से मतलब ये है कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी किसी को घूरेगा, है ना। बट धीरे धीरे ये तीव्रता कम हो जाती है। एग्जाम्पल, 2 या 3 माह का बालक तब तक रोता रहता है जब तक कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, बताओ इतना जिद्दी बालक। और 4 या 5 वर्ष का शिशु इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता क्योंकि इसको पता है चुप नहीं होऊंगा ना तो मम्मी लापी रखेगी। पर छोटे बच्चे को तो भाई साहब प्यार से ट्रीट करना पड़ता है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है। और बचपन में 1-2 थप्पड़ वप्पड़ और ये सब ना हर कोई खाता है, कोई नई बात नहीं है। तभी तो समय जाकर नियंत्रित हो पाते हैं मम्मा की हाजिरी में, ठीक है। आरंभ में शिशु के संवेगों में अस्पष्टता होती है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसमें स्पष्टता आती है। वही बात है स्थिरता की तरह ही। अब बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास से क्या मतलब है, तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अगर आपसे पूछे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन सा है, और ऑप्शन हो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो ध्यान रखना बाल्यावस्था। संवेगों में तीव्रता एवं उग्रता नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना। संवेगों पर नियंत्रण रखने लग जाते हैं इस टाइम पे। निराशा और असहायपन की भावना आ जाती है। समूह का सदस्य होने के कारण ईर्ष्या द्वेष की भावना आ जाती है, ईर्ष्या। जिज्ञासा संवेग का विकास होता है, ठीक है। जिज्ञासा संवेग का विकास कब होता है, बाल्यावस्था में। अभी आपको बताया था ना सारे संवेग का विकास एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, तो जिज्ञासा वाले का इस टाइम पे होता है। भय, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, इसने प्रफुल्लता आदि संवेगों का विकास हो जाता है, ठीक है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में देखते हैं, तो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होते हैं। संवेगों में परिपक्वता आने लगती है। संवेग प्रकाशन में स्पष्टता आ जाती है। विरोधी मनोदशाएं होना, जीवन अत्यधिक भाव प्रधान हो जाता है। काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है। विषम लिंगी के प्रति प्रेम का विकास, अब ये तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, है कॉलेज के दिन। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। विकासात्मक विधियां, तो दीर्घकालीन कालानुक्रम मिक लंबवत अनुदैर्ध्य विधि के अंदर कौन कौन सी विधि आती है, आप तो वो देख लो। एक निश्चित समूह का बार बार अध्ययन करके निदान व उपचार किया जाता है, यह आता है इन विधियों में। समकालीन क्षेत्रीय प्रतिखंडात्मक अनुप्रस्थ काट विधि के अंदर आता है। कई समूहों का एक ही निश्चित समय में अध्ययन करके निदान में आचार किया जाता है। इसमें क्या किया था, एक निश्चित समूह का बार बार अध्ययन करा, ठीक है। बट इसके अंदर कई समूह का एक ही निश्चित समय में अध्ययन कर लिया, एक साथ निपटा दिया, है ना। अनुक्रमिक डिजाइन विधि, इसके अंदर ये दोनों पार्ट आते हैं भाई, उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो आपको सिर्फ विधियों के नाम याद रखने हैं और वो खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान रखना भाई, विकासात्मक रोग, एक चीज़ ध्यान है ना, थोड़े टाइम पहले मैंने किशोरावस्था में जो 1-2 रोग होते हैं वो बड़े मज़ेदार रोग बताए थे, मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी, लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। विकासात्मक रोग स्टार्टिंग में ही बताए थे यार इस लेक्चर के। स्वलीनता, स्वलीनता क्या होता है, ध्यान से देखना, ये एक मस्तिष्क विकार है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तो आपसे पूछे स्वलीनता विकार संबंधित है, तो ध्यान रखना मस्तिष्क से। ADHD, अवधान न्यून अतिक्रिया विकार, ठीक है। ADHD की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर, ठीक है। देख लो खुद की हैंड राइटिंग की समझ नहीं आती एक टाइम के बाद में, और आप बोलते हो मैम नोट्स दे दो, क्या समझ लोगे आप। ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, जिनको अवधान न्यून अतिक्रिया विकार होता है वो बेचारे बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आवेगशील होते हैं,
हाइपर एक्टिव का मतलब आवेगशील ही है, वियोग दुश्चिंता विकार SAD सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। बच्चे को अक्सर ये लगा रहता है कि कहीं माता पिता उसे छोड़कर ना चला जाए। तो देखो वापस से रिपीट करते हैं बिकॉज ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो विकासात्मक रोग है उसके अंदर स्वेलिनता है, स्वेलिनता में इतना ध्यान रखना, मस्तिष्क विकार है, इसके अलावा जो ADHD है उसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, और ये जिनको ये रोग होता है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और आवेगशील होते हैं, ठीक है। और वियोग दुश्चिंता विकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, SAD, तो SAD की फुल फॉर्म ध्यान रखना, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। और ये इस बीमारी में क्या होता है कि बच्चे को अक्सर ये लगा रहता है कि कहीं माता पिता उसे छोड़कर ना चला जाए, वो थोड़ा सा डरा सा सहमा सा रहता है, ठीक है। तो और अगर ऐसी बीमारी किसी बच्चे को होगी तो ऑब्वियस है वो सोने से पहले भी सोचेगा कहीं मैं सो जाऊँ और पीछे से मम्मा पापा चले जाएँ, तो ये वियोग दुश्चिंता विकार होता है, ठीक है, उनसे बिछड़ने का। अब भाषा विकास मैंने ऑलरेडी आपको पहले करवा दिया है, तो इसी के साथ में आपका जो विकास वाला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व के बाद में आई थिंक एक का सा टॉपिक कोई बचा होगा, तो मैं देखूंगी कौन सा टॉपिक करवाना है, और ऑलमोस्ट आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, या फिर होने वाली है, कुछ भी समझ लीजिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, तो अपना बेस्ट दो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो यार, ठीक है। बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।